क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द 100 ग्राम ऑफ द वाटर एट द 100 ग्राम सेल्सियस इनटू स्टीम। लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द वाटर इज 2.26 इनटू 10 टू द पावर 6 जूल्स पर केजी। बेसिकली इट्स अ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन है जो 1 केजी मास को कन्वर्ट कर देती है आपके पास, इसकी स्टेट को चेंज कर देती है, लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये अब्जॉर्ब होती है और गैस से जब लिक्विड फॉर्म में चेंज होता हो 1 kg मास, तो फिर ये एनर्जी रिलीज होती है। उन्होंने कहा आपसे फाइंड करें मास कितना है हमारे पास 100 ग्राम के लिए। तो फार्मूला हमारे पास है डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एम, ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ फार्मूला, जस्ट वेट। पहले तो आप मास को कन्वर्ट कर लें kg में, 1000 से डिवाइड करके ये आपका मास आ गया। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन ये देखना आपको दी हुई है, स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू वी है। फार्मूला सिंपल है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये वो एनर्जी है, अच्छा इन दोनों में एनर्जीज में डिफरेंस क्या होता है? देखें ये वो एनर्जी है जो किसी भी मास को कन्वर्ट कर दे डेल्टा क्यू वी, और जो ये एच वी लिखी है ना, ये वो एनर्जी है जो 1 kg मास को लिक्विड गैस से, लिक्विड स्टेट से गैसियस में कन्वर्ट कर रही है। तो मास तो 0.1 kg दिया हुआ है और एच वी की वैल्यू आपके सामने दी हुई है, देख लें ये 2.26 × 10⁶ इससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपको मालूम हो जाएगा जो आंसर आ रहा है इस वनस, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको आप चेक कर सकते हैं 2.26 × 10⁻¹, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2.26 × 10⁵। इसको आप बेशक मल्टीप्लाई कर लें या आप सिंपल इन तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, तो अब जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। इतने जाउल्स एनर्जी एब्जॉर्ब की है यहाँ पे 0.1 kg मास ने। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर पासिंग 5 gram ऑफ स्टीम। आपने 5 gram स्टीम जो है पास की है एट द 100 degree Celsius थ्रू द 500 gram ऑफ द वाटर एट द 10 degree Celsius। तो जस्ट 5 gram स्टीम पास कर रहे हैं आप, उसको आप डिवाइड करें 1000 से ताकि आपको पता चले के जी में कितना है। दिस वन इज़ 0.005 kg, ठीक है। और जो आपके पास वाटर का मास है 500, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं kg में, इट बिकम्स जस्ट 0.5 kg, ये 0.5 kg आएगा। अच्छा वाटर का टेम्परेचर आपके पास कितना है, यू कैन सी वाटर का टेम्परेचर है 10 degree Celsius, स्टीम का टेम्परेचर कितना था 100 degree Celsius। अब दो बातें होंगी इसमें ना, आप ख्याल रखिएगा। पहली बात तो ये स्टीम आपकी जब आप पास करेंगे ना वाटर से, लेट्स सपोज ये आपकी स्टीम है और हम स्टीम को शो कर रहे हैं कहीं पर भी कि ये आपके पास स्टीम आ रही है वाटर में, स्टीम है इसका टेम्परेचर है इस टाइम 100 degree Celsius। जैसे ही ये लिक्विड के साथ टकराएगी इसका स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, ये आपकी स्टीम जो है चेंज हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में और ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ करेगी। अपनी एनर्जी किसको देगी, वाटर को देगी। ये जो एनर्जी वाटर को देगी वो आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं उस फार्मूले से, क्यू वी इज इक्वल टू एम एच वी, ठीक है। आप उसके लिए आपको मास पता होना चाहिए स्टीम का जो गिवन है 0.005 kg, आपको एच वी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। दिस वन आप देख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन 2.26 × 10⁶। तो पहले तो आप ये देखें ये एनर्जी जो स्टीम जैसे ही टकराएगी वाटर से, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, और जब स्टेट चेंज होगी तो इस दौरान जो एनर्जी है ये वाटर को सप्लाई करेगी वो है क्यू वी। इसके बाद फिर इसका टेम्परेचर जो है स्टीम का 100 से कम होना शुरू हो जाएगा और वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और आखिरकार एक टाइम आएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। स्टीम का टेम्परेचर कहाँ से फॉल करेगा, स्टीम का टेम्परेचर जो है 0 से एक ख़ास टेम्परेचर तक फॉल करेगा, टी तक। वाटर के टेम्परेचर के साथ क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर अगर मैं कहूँ तो 10 degree पे था और वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, वो भी टी तक जाएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने आई थिंक जो वर्ड यूज़ किया है वो T1, एक T2 वर्ड यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसके लिए इन्होंने T3 का वर्ड यूज़ किया। अगर आपने स्टीम का टेम्परेचर देखना है तो वो 100 से T3 पे चला जाएगा और वाटर का टेम्परेचर 10 degree Celsius से T3 पे आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप इजीली, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये स्टीम अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा होगा, वाटर को दे रहा होगा और वाटर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अब स्टीम में दो एनर्जी नहीं है, एक Q1
जब वो कन्वर्ट हुआ गैस से लिक्विड फॉर्म में AQ2, जब वो लिक्विड में ही 100 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर T3 हो गया, और वाटर ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वो Q3 थी। ये दोनों एनर्जीज वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पहले तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाती है, Q1 आप अलग फाइंड करेंगे, Q2 आप अलग फाइंड करेंगे, Q3 अलग फाइंड करेंगे, और फिर इनको कंपेयर करेंगे। चलो Q1 आपने फाइंड किया फार्मूला लगा के, ML ये देख लें, मास आपने स्टीम का लिया, और ये आपने लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन से मल्टीप्लाई किया 11,300 जूल्स हीट लॉस्ट बाय द स्टीम टू अटेन द फाइनल टेम्परेचर। अब स्टीम का टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया है, M1C delta T। यहाँ पर आपके पास मास आपको पता है 0.05 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टीम क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है वो 100 है, और उसका टेम्परेचर फाइनल T3 हो गया है। तो चेंज कितना आएगा, 100 में से T3 माइनस कर लेते हैं, ये Q2 है, ये T3 की फॉर्म में आ रहा है। Q3 वो एनर्जी है जो वाटर ने एब्जॉर्ब की है, एनर्जी गेन बाय द वाटर, और वाटर का मास कितना था, 0.5 kg था। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, वो है 4200 जूल्स, वो हमने वैल्यूज यहाँ पुट की है, और टेम्परेचर में चेंज कितना आया, T3 - 10, इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट किया, ये Q3 एनर्जी आ जाती है। Q1 प्लस Q2 Q3 के इक्वल हैं, जितनी एनर्जी स्टीम ने लूज़ की है उतनी एनर्जी वाटर ने एब्जॉर्ब की है। तो इनको हम इक्वेट कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप नीचे उन्होंने इक्वेट किया है, और ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की हैं, यू कैन सी हियर, ठीक है गाइस। और इनको इक्वेट करने के बाद हम अब इसको देख लेते हैं, ये Q1 वो एनर्जी थी जब स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट हुई, Q2 वो एनर्जी थी जब स्टीम आपकी 100 डिग्री सेल्सियस से T3 टेम्परेचर तक चली गई, फॉल कर गया उसका टेम्परेचर, ये वो एनर्जी है जो वाटर ने एब्जॉर्ब की है और उसका टेम्परेचर में इंक्रीज आया T3 तक। जितनी एनर्जी यहाँ पे स्टीम ने लूज़ की थी उतनी ही एनर्जी वाटर ने एब्जॉर्ब की, इसलिए हमने बीच में इक्वल टू का साइन लगाया है। और यहाँ पर आप देखें सिर्फ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई आपने करना है, और सिंप्लीफाई करके T3 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। 21 × 100 करेंगे, 21 T3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2100 T3 से मल्टीप्लाई होगा, 2110 से मल्टीप्लाई होगा। हम T3 वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे और बाकी वैल्यूज़ को एक तरफ, तो ये आप देख सकते हैं जो T3 वाली वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ आ गई हैं, 21 T3 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्यों लिखा है आई डोंट नो, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, अब ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास 2100 है, 21,000 है, उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 13,000, ये आपके पास वैल्यूज़ यू कैन सी हियर 11,300 में ये वाली वैल्यू 2100 प्लस हो जाती है, तो फिर ये आंसर आ जाता है। ये 2100 आपके पास 1000 आपके पास राइट साइड से शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड की तरफ, प्लस हो गया, और ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाती है। वैसे आप देख सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस बल्कि सॉरी ये माइनस हो रही है, जब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे आएगी तो ये इसको प्लस होना चाहिए था, जब इसको प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा 21213, और ये 21 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा तो आपके पास जो टेम्परेचर आएगा 16.2 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये वो टेम्परेचर है जो वाटर का इंक्रीज हुआ है 10 डिग्री से और स्टीम का फॉल करके 16.2 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है। थैंक यू गाइज़।